मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। पिछले कुछ वक्त से मोबाइल और लैपटॉप के लगातार इस्तेमाल करने से लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही अनहेल्दी हो गई है और इसका नतीजा ये होता है कि बहुत कम उम्र में या वक्त से पहले ही लोगों की आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि इस चश्मे से बचने के लिए हम आई ड्रॉप का इस्तेमाल भी करते हैं, जेल का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता है। अगर आपको आंखों में कोई समस्या है जैसे खुजली, दर्द, सूखापन या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन, तो शहद इसमें आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है और आपकी समस्या को दूर कर सकता है। आइए जानते हैं शहद आपकी आंखों की हिफाजत किस तरह करता है। शहद को अगर आप गुनगुने पानी में मिलाएं और इसे सोने से पहले अपनी आंखों को अच्छी तरह से धो लें, तो इससे आंखों की ड्राइनेस, खुजली और लालिमा भी खत्म होती है। अगर आपकी आंखों के नीचे फूलापन हो, जो कि अक्सर लंबे वक्त से नींद पूरी ना होने की वजह से होता है, तो आप शहद की कुछ बूंदों को वहां पर डालकर मसाज कर दें और 15 मिनट बाद धो लें। आपकी आंखों की सूजन धीरे धीरे कम हो जाएगी। अगर आपकी आंखें आ गई हों तो आप शहद को आंखों पर लगा सकते हैं। इससे आंखों की करकराहट दूर हो जाती है और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं बल्कि कई रिसर्च में ये साबित भी हो चुका है। अगर आंखों में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि शहद को गुनगुने पानी में मिला लें और कॉटन बॉल से उसे आंखों के ऊपर लगाएं। इससे आंखों का इन्फेक्शन जल्द ही सही हो जाएगा। शहद आंखों को कमज़ोर होने से बचाता है। जी हाँ, अगर आप शहद का रेगुलर तौर पर आंखों में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आंखों की मांसपेशियां स्वस्थ बनी रहती हैं और आपकी नज़र उम्र से पहले कमज़ोर भी नहीं होती। अगर आप रोज़ाना आंखों में शहद को आई ड्रॉप की तरह सिर्फ एक बूंद ही डालेंगे तो आपको ग्लूकोमा होने के चांसेस ना के बराबर रह जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि शहद में किसी तरह की मिलावट ना हो। शहद में कई सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि आंखों की नर्व को स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इससे नज़र में कमी नहीं आती और आंखों पर लंबे वक्त तक चश्मा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर आपकी आंखों में खुजली हो रही हो और वो ख़त्म भी ना हो रही हो, तो ऐसे में आप शहद को आंखों में लगाएं। इससे ना सिर्फ खुजली में आराम मिलता है बल्कि अगर आपकी आंखों के नीचे हल्के हल्के रिंकल्स आ गए हों तो भी शहद इसे ख़त्म करने में काफ़ी कारगर साबित होता है। उम्मीद करते हैं आंखों के लिए शहद से जुड़े फ़ायदे आपको बेहद पसंद आए होंगे और आप गाहे बगाहे अपनी आंखों में शहद का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल इसी के साथ बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।